Hi everyone, am I live? लेट मी नो वंस ओके ओके ग्रेट मींस नाउ आई एम लाइव ग्रेट सो लाइक आई एम टू थ्री मिनट्स सिंस टेन टू आई वॉज ट्राइंग दिस बट इट वॉज नॉट हैं अपनी आज की क्लास को अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो बताओ टास्क को हम शुरू करते हैं हेलो विजय हाउ आर यू एंड वेयर हैव यू बीन ओके दोस्तों चलो क्लास की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बिफोर दैट इफ यू हैवन सब्सक्राइब द ऑलिव YouTube यूट्यूब चैनल येट प्लीज डू सब्सक्राइब इट ठीक है अभी देरी मत करो और अब सब्सक्राइब कर लो सभी लोग ओके okay? खुश रहो खुश रहो सभी लोगों को मेरी दुआएं लगेंगी ओके okay? सो so, ये हम बात करें कि कल का जो हमारा सेशन हुआ था उसपे किसके किसके कमेंट्स आए थे तो जरा इन लोगों को देख लेते हैं कल के सेशन पे किसके किसके कमेंट्स आए थे देखो सबसे पहले हम यहां देख सकते हैं राकेश पारस तनवर अमन सुमित नारायण केके मनोज अनुप्रीत वाले क्वेश्चन वेरी गुड ये ये भी बता रहे हैं कि इन्होंने कॉपी पेस्ट मारा था ये तो मतलब हद हो गई ये मतलब गजब एकदम कॉपी पेस्ट मारा था तो ना मारना अगली बार से ठीक है, इतने खुश है बता करके मैंने कॉपी पेस्ट मारा था एनीवे anyway, चलो अब हम लोग जरा अपनी आज की सेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अपनी आज की क्लास को ओके बिसाइड जैसा आप सभी को पता है कि अगर आपने से कोई भी इंटरेस्टेड है कोई सभी कोर्स लेने के लिए रिमेम्बर टू यूज द कूपन कोड एस यू एस एच एम आई टी ए डो नॉट फॉरगेट टू यूज इट ओके तो हमेशा यही लगता है, कि ये तो नहीं है ये तो मेरे वश की बात नहीं है ठीक है ऐसे हम हमेशा सोचते हैं जब तक वो पूरा ना हो जाए तब तो तक हमारे माइंड में तो यही चल रहा है नहीं, ये मेरे से नहीं होने वाला यार ये ज्यादा ये तो मेरे वश के बाहर की बात है क्योंकि बाहर की बात है पढ़ोगे तो क्या नहीं होगा और करना चाहोगे तो क्या नहीं होगा सब हमारे माइंड में जो मैं आपसे हर बार कहती हूँ सब आपका माइंड सेट है आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आपकी लाइफ पॉजिटिव है आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो आपकी लाइफ नेगेटिव है आप दूसरों पे डिपेंडेंट हो तो आपकी लाइफ भी दूसरे पे डिपेंडेंट है ओके सो डू नॉट वरी एंड ऑलवेज थिंक कि सब हो सकता है है ठीक एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू आर ट्राइंग इफ यू आर वर्किंग इफ यू आर वर्किंग हार्ड बस मजे मजे में नहीं लेना है अब ये जो पीरियड है इसको तो मजे मजे में नहीं लेना है बिकॉज इस टाइम को अगर मजे मजे में लिया तो टाइम भी आपको मजे मजे में निकाल देगा बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा मजे मजे में सब कहां गया कैसे गया गलत आंसर भी चलेगा लेकिन ईमानदारी से वहाँ क्या बात कहिए तनवर चलो सबसे पहला हम लोग अगर सबसे पहली खबर देखें तो सबसे पहले आप लोग क्या देख सकते हो वर्ल्ड जूनोसिस डे डे ओके जूनोसिस की हम लोग देखो कोई भी अगर हम लोग बात करते हैं डे कोई भी डे इसलिए मनाया जाता है ताकि उसके लिए लोगों को जागरूक किया जा सके ओके okay? ताकि लोगों को बताया जा सके कि इसकी, इसकी इससे क्या हो सकता है या अगर कोई ऐसा दिन है तो इसकी क्या अहमियत है लोगों को पता चले लोग उस हिसाब से अपने स्टेप से लोग अवेयर हो सके ठीक है अब तो बहुत सारे तरीके भी हैं लोगों को अवेयर करने के सबसे अच्छा है कि किसी चीज को फेसबुक पे पोस्ट कर दो या व्हाट्सएप पे डाल दो जो आपके कनेक्शन होंगे फेसबुक पे इंस्टा पे सबसे तेजी से कोई खबर यहीं से पहुंचती है इससे ज्यादा तेजी से कोई खबर नहीं पहुंचती है मुझे ऐसा लगता है कि अगर फेसबुक आप लोगों का डेली करंट अफेयर्स कराने लगे तो सारे बच्चे का जो जीए है ना बड़ा तगड़ा हो जाएगा लेकिन अगर फेसबुक ऐसा कराए तो खैर देखो जैसे आप यहाँ देख सकते हो वर्ल्ड जोनोसिस डे ये छह जुलाई को मनाया जाता है ठीक है तो जैसे आप अब देखिएगा जरा ध्यान से हम लोग अगर बात करते हैं जूनोटिक डिजीजेस क्या होती हैं मैंने आपके साथ में कई बार ये डिस्कशन की है कि एग्जैक्टली जूनोटिक डिजीजेस क्या होती हैं कोई भी ऐसी डिजीज जो आप लोगों की आ, एनिमल टू ह्यूमन ह्यूमन टू एनिमल ट्रांसफर होती है ठीक है तो ये आपकी जूनोटिक डिजीजेस हो जाती है देखिए जरा सभी लोग अच्छा जूनोटिक डिजीज का आप में से कोई भी ऐसा मुझे एग्जाम्पल दे सकता है कोई एक डिजीज अगर आप लोग जानते हो जूनोटिक डिजीज का कोई भी एक एग्जाम्पल पॉसिबल हो तो बताओ आप लाइव हिस्ट्री मैं एफ बी से कर दू <laughs> सही कह रहा हो बढ़िया रहेगा मंकी पॉक्स कोविड इसको मनाया जाता है सारी बातें हम लोग धीमे धीमे करके शुरू करते हैं ठीक है बिकॉज एज ऑब्वियसली ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम परसपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा ठीक है तो यहाँ आ जाते हैं जरा हम लोग और मैं अपनी पेन को सेलेक्ट कर लेती हूँ ओके okay. देखो भाई जूनोटिक डिजीज की हम लोग बात कर रहे हैं ये हर साल आप लोगों का छह जुलाई को मनाया जाता है कब मनाया जाता है सिक्स ऑफ जुलाई हर साल मनेगा छ जुलाई को इसको क्यों मनाया जाता है ये मनाया जाता है ताकि ये जो पहली इम्यूनाइजेशन आई थी जूनोटिक इलनेस के अगेंस्ट जैसे एवियन इन्फ्लुएंजा नाई वायरस वगैरह इनके अगेंस्ट जो पहली आपकी वैक्सीन आई थी उसको मार्क करते हुए इस दिन को हर साल मनाया जाता है ठीक है अच्छा इसको ऑब्जर्व किया जाता है कब से छह जुलाई देखो छह जुलाई अठारह सौ पचासी बहुत ही पुरानी बात है देखो, 6 जुलाई अठारह सो पचासी आप लोग लुइस पाश्चर का नाम बहुत सुने इनका नाम कई बार आता होगा है ना लगभग सभी लोगों को अब इनका नाम एक बार शायद से याद भी हो अगर आप लोग कुछ दिन से तैयारी कर रहे हो तब ठीक है खैर देखो सभी लोग ध्यान दीजिएगा तो 6 जुलाई अठारह फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे लुइस पाश्चर इन्होंने पहला डोज दिया था पहला वैक्सीनेशन जोनोटिक डिजीज के अगेंस्ट कौन सी जूनोटिक डिजीज के अगेंस्ट रबीज के ठीक है एजुकेट किया, okay, किया जा सके, किया जा सके कि क्या, सकता है ठीक है तो ये बेसिकली हम लोग हम लोगों के वहां पर ठीक है जो जूनोटिक जर्म्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं या तो वो डायरेक्ट भी हो सकते हैं या फिर वो इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं दोनों ही फॉर्म में जो इनके जर्म्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ठीक है इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसी से थोड़ी और ज्यादा खतरनाक टाइप हो जाती है ठीक है कैसे फैलती है सबसे ज्यादा जो आप लोगों का होता है वो वही है जो पैथोजेंस होते हैं इनकी वजह से जो ट्रांसफर होता है तो सबसे ज्यादा कॉमन मेथड होता है जिससे कि ये फैल जाती है डायरेक्ट हो सकता है इनडायरेक्ट हो सकता है कुछ वेक्टर बोर्न होते हैं कुछ फूड बोर्न होते हैं इस वजह से होते हैं ठीक है थीके? तो अब आप लोगों को यहाँ पे याद क्या रखना होगा आप लोगों को याद रखना होगा कि हर साल हमारे देश में अरे हर साल पूरे विश्व में छह जुलाई को मनाया जाता है जूनोसिस डे छह जुलाई अठारह सौ पचासी को लुइस पॉस्टर ने पहली वैक्सीनेशन दी थी रबीस के अगेंस्ट ठीक है तब से जाकर अपना एक थीम भी होता है तो वो भी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है याद करे रहना ओके चलो क्या कोई मुझे बता सकता है कि हम लोग एक जुलाई को क्या क्या मनाते हैं एनी वन हुन आंसर वॉट डू वी ऑब्जर्व ऑन फर्स्ट ऑफ जुलाई बहुत सारे डेज होते हैं नॉट जस्ट वन और टू मेनी 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 डेज आर ऑब्जर्व ऑन फर्स्ट ऑफ जुलाई बताइएगा जी एस टी डे हो जाता है देन डॉक्टर्स डे होता है अब इसी में सी ए डे होता है बहुत सारे डे होते हैं जो आप लोग पहली तारीख को ही मनाते हो ठीक है ये जरा आप लोग याद रखे रहेगा अच्छा इसके अलावा ये भी बताइएगा कि क्या हम लोग फिफ्थ ऑफ जुलाई को भी कुछ स्पेशल ऑब्जर्व करते हैं इफ येस देन वॉट फिफ्थ ऑफ जुलाई को हम लोग क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्व करते हैं कोई खास आंसर्स मुझे अभी तो फिलहाल में नहीं मिल रहे चलो ठीक है तुम लोग देखते रहना ऑफ जुलाई को कुछ इंपॉर्टेंट होता है या नहीं होता है प्लास्टिक बैंड दे देखो आ, वो सब याद रख के रहना जुलाई को आप लोगों का आई डे भी हो जाता है बारह जुलाई को आप लोगों का क्या हो जाता है नाबार्थे हो जाता है कौन सा डे नाबार्थ डे ठीक है तो बैंकिंग एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से तीन डे इंपॉर्टेंट होते हैं फर्स्ट ऑफ जुलाई हो जाता है जीएसटी डे एक जुलाई को ही आपका एस बी डे होता है बारह जुलाई को आप लोग का ना बार्थ डे होता है ठीक है ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखे रहो चलो हम बैठते हैं अपनी अगली खबर की तरफ ओके नाउ डू लाइक द सेशन वंस जो भी लोग सेशन में फटाफट सेशन को लाइक वाइक भी करते चलो कोई भी कोर्स खरीद रहो ऑलिव वो पे तो रिमेंबर टू यूज द कूपन कोड एस यू एस एच एम आई टी है ठीक है ये मैं आपको याद दिलाती रहती हूँ चलो क्या देखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम जो कि भारतीय हैं इन्हें अपॉइंट किया गया है फोर्स कमांडर यूएन मिशन इन साउथ सुडान सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये बेसिकली यूएन मिशन इन साउथ सुडान होता क्या है इसका क्या मकसद है इसको क्यों मनाया जाता है ठीक है सबसे पहले हमें ये समझना होगा क्योंकि यहां पे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है जानने और समझने के लिए दोनों के लिए ठीक है तो यहां जैसे आप कंट्री देख सकते हो साउथ सुडान अक्सर आप लोग न्यूज में भी सुनते रहते हो इसके बारे में कुछ ना कुछ रहता ही है ठीक है तो इसको इनिशियली एस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान को इसको इनिशियली एस्टेब्लिश किया गया था 2011 में ये जो मिशन है यूएन का ये 2011 में इसको इनिशियली एस्टेब्लिश इन्होंने किया था 9 जुलाई को ओके okay, 9th जुलाई 2011 इनकी एक रेजोल्यूशन है 1986 और 1996 उसके हिसाब से इसको इन्होंने एस्टेब्लिश किया था उसके बाद से लगातार इन्होंने इसको क्या-क्या किया है उसके बाद से लगातार इसको रिन्यू किया गया हुआ है फिलहाल में अगर मैं आपसे बात करूं तो ये जो यूएन मिशन इन साउथ सुडान है इसको रिन्यू कर दिया गया है मार्च 2023 तक कब तक मार्च 2023 के लिए इसको रिन्यू कर दिया गया है फिलहाल में तो ओके और किसके तहत तो किया गया है इनका एक अपना रेजोल्यूशन है टू देखो अभी मैं आपसे कहूं कि क्या ये रेजोल्यूशन पढ़ना इंपॉर्टेंट है तो मेरा आंसर होगा हाँ अभी फिलहाल में तो इंपॉर्टेंट है अभी तो हम लोग को ये याद होना चाहिए एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ठीक है ओके तो मेरा बोर्ड गया तुम लोग लगे रहना मतलब मैं आपको बताती चलती हूँ एग्जैक्टली exactly क्या है आजकल ये कुछ ज्यादा ही जा रहा है ठीक है देखो जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूएन मिशन इन साउथ सुडान है इसका मकसद क्या होता है जो साउथ सुडान कंट्री है वहां पे यूएन जो है अपनी पीस कीपिंग मिशन के तहत जो भी ट्रूप्स भेजता है उन ट्रूप्स टूप, को वहां पे डिप्लॉय करेगा डिप्लॉय करके क्या होगा कि कह सकते हो आप लोग वहां पे पीस मेंटेन हो सकेगा किसी भी कंट्री में जैसे ऐसे हालात खराब होते हैं सिविल वॉर्स वगैरह कुछ भी होता है तो यहाँ पे जो यूएन होता है ये अपनी पीस कीपिंग मिशन के थ्रू कुछ ट्रूप्स को डिप्लॉय करता है वो वहां पे पीस मेंटेन करते हैं तो यही आप लोगों का मिशन है साउथ सूडान का साउथ सूडान को शुरू किया गया था शुरू शुरू में 2011 में 2011 में शुरू किया गया था लेकिन उसको बार 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 एक्सटेंड किया गया है अलग अलग रेजोल्यूशन से जो पहली रेजोल्यूशन थी वो उन्नीस करके थी ठीक है फिलहाल में जो है ये छब्बीस पच्चीस है रेजोल्यूशन जिससे इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कब तक के लिए एक्सटेंड किया गया है मार्च दो तो ये बातें हमने देखी अब अभी हमने देखा कि इंडियन अमेरिकन है जिनको की फोर्स कमांडर वहां पे चुना गया है यानी कि जो वहां पे फोर्स है ट्रूप्स की उनको ये कमांड करेंगे ये बेसिक खबर है अपनी ठीक है एक सेकेंड ये तो बोर्ड का रोज का हो गया यार अब कुछ करना होगा हम लोगों को चारा, इतना भार नहीं ले पा रहा है तुम लोगों को क्या लगता है मैं ठगी गई हूँ हाँ तो जैसे मैं आपसे बात कर रही थी लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम है इन्हें यहाँ का फोर्स कमांडर अभी चुन दिया गया है ठीक है क्या किया गया है इन्हें यहाँ का फोर्स कमांडर अभी अभी चुना गया है ओके तो अब क्या होगा कि जो भी वहां पे कमांडर मतलब जो भी ट्रूप है उसको ये क्या करेंगे कमांड करेंगे यूनाइटेड मिशन साउथ सुडान है यहाँ पर यूनाइटेड मिशन का ठीक है अच्छा बच्चों एक और भी बात आप लोग याद रखे रहिएगा कि जो ओवरऑल यहाँ पर साउथ सुडान में जो ओवरऑल ट्रूप्स है ये बीस हजार से ऊपर के हैं बीस हजार से ज्यादा ट्रूप्स है और ये तिहत्तर अलग अलग कंट्रीज से हैं जो कि यहाँ पे पीस मेंटेन कर रहे हैं ओके okay, अगर हम लोग बात करें तो भारत के भी बहुत सारे जो इंडिया आप लोग कह सकते हो इंडिया के मैक्सिमम ट्रूप यहां पर है लगभग दो हजार इतने लोग इंडिया के हैं जो साउथ सुडान के मिशन में क्या है डिप्लॉयड हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये सबसे अब ये बात आती है तो ऐसा यूएन कर क्यों रही है क्या यूएन ऐसा केवल साउथ सुडान में कर रही है कहीं और नहीं करती है नहीं यूएन ऐसा कई जगह करती है क्योंकि यूएन का पीस कीपिंग मिशन होता है ठीक है इनका अपना पीस कीपिंग मिशन होता है बेसिकली ये पीस कीपिंग मिशन क्या होता है जैसा मैंने आपको बताया कि यूएन क्या करती है कुछ फोर्स को डिप्लॉय कर देती है ठीक है इनका एक डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन होता है कल को मान लो आपके एग्जामिनेशन में आता है

ब्लू बेरेट या ब्लू हेलमेट कहते हैं तो ये भी पीस कीपर्स को कहते हैं ठीक है किसको कहते हैं पीस कीपर्स को ही ये भी कहा जाता है ये भी पॉइंट आप लोग याद रखे रहना क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो वही हमने पढ़ा कि हां अभी मोहन सुब्रमण्यम जी हैं इन्हें अभी अभी क्या किया है इन्होंने अभी अभी फोर्स कमांडर एस ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशन मिशन मिशन इन साउथ सूडान ठीक है और इन्होंने किसको सक्सीड किया है तो आप जैसा देख सकते हो सुब्रमण्यम जी लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनाकर जो कि इंडिया के थे इनको सक्सीड करेंगे ओके अच्छा तो मुझे ये बताओ कि यूनाइटेड मिशन इन साउथ सुडान इसको कब शुरू किया गया था इन विच ईयर फटाफट सभी लोग आंसर्स लिखो जो भी लोग सेशन में अपने अपने आंसर्स लिखो कि मिशन की शुरुआत कब हुई थी कई बार मैंने आपको बता दिया इजी हो गया काफी 1885 लिख रहा कितनी बार बताया जाएगा <laughs> खैर एक और बात याद रखो टॉकिंग अबाउट यूनाइटेड नेशन यूनाइटेड नेशन एक्चुअली किसी खास काम का नहीं है फिर भी पढ़ लेना है ये न्यूयॉर्क में आपका स्थित है ठीक है और चीफ यहाँ के कौन हो जाते हैं ये होते हैं आपके एंटोनियो गुटेरस ठीक है पहले ये पुर्तगाल के प्रधानमंत्री थे फिलहाल में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कास्टा हैं अब ये जो है दोबारा से बनाए गए हैं सेक्रेटरी जनरल कहाँ के यूनाइटेड नेशन के यूनाइटेड नेशन अगर हम लोग रिलेटेड कुछ और भी बातें कर लें जो कि इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए तो सबसे पहले याद रखेगा यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे क्या चीज पब्लिक सर्विस डे इसको कब मनाया जाता है ये मनता है आपका हर साल में 23 जून को ट्वेंटी थर्ड ऑफ जून और क्या याद रखे रहो आप लोग कुछ दिन पहले जो भारत है भारत ने यूनाइटेड नेशन को यूएसडी एट हंड्रेड थाउजेंड टू यूनाइटेड नेशन ये याद रखेगा अब ये भी कुछ दिन पहले रुचिरा जी को इंडिया का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है यूनाइटेड नेशन के लिए ठीक है इंडिया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूएन ये बनाई गई है रुचिरा कंबोज इन्होंने किसको रिप्लेस कर लिया है टीएस तिरुमूर्ति को ठीक है किसको हाँ इन्होंने रिप्लेस किया है टीएस तिरुमूर्ति इंपॉर्टेंट है वो भी आप लोगों को याद रखना चाहिए एग्जाम में आपसे यह भी पूछा जा सकता है ठीक है बच्चों कुछ दिन पहले हमने ये भी पढ़ा था कि यूएन ने फोर्टी मिलियन डॉलर का असिस्टेंस दिया है किसको दिया है श्रीलंका को दिया है ठीक है ये इन्होंने श्रीलंका को दिया है ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए फिर अभी अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली का, का हाइब्रिड फॉर्म हुआ था कहां पर नैरोबी के अंदर अगर पूछा जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली का हाइब्रिड फॉर्म अभी अभी कहां पर हुआ था समिट तो ये आप लोगों का हुआ था नैरोबी केनिया के अंदर कितने मेंबर नेशंस होते हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर 193 अच्छा ये बताओ कौन सी कंट्री है जो कि एक मैप डेवलप कर रही है यूनाइटेड नेशंस में जो भी इनके ऑफिस हैं उनकी प्रोमाइसिस के लिए एनी और ये भी बताना कि क्या ये यूनाइटेड नेशन के लिए हो रहा है या किसी और कंट्री के लिए हो रहा है मुश्किल से एक हफ्ते पहले तुम लोगों को यह खबर पढ़ाई गई है अगर याद है तो बताओ ओके तो क्या इंडिया ये यूनाइटेड नेशन के लिए कर रही है किसी और के लिए कर रही है याद करो जरा वे फाइंडिंग मैप वेरी गुड किसके लिए किया जा रहा है बहुत सारे आंसर्स मुझे मिल रहे हैं लगातार चलो देखते रहना तुम लोग हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर ठीक है हाँ अब जरा सब लोग देखना वे फाइंडिंग के बारे में ये है एग्जैक्टली क्या और सही बताओ या नहीं चलो दोस्तों अगली खबर पे हम चलते हैं ठीक है काफी सारी चीजें इनके बारे में आप देख सकते हो ये आ गया भारत के हालात नाजुक किस में ट्रेड में ठीक है तो भारत के जो हालात हालात है ये अभी ट्रेड में थोड़े से नाजुक है क्यों नाजुक है क्योंकि भाई देखो अभी अपने वहां की जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस है वो बहुत बिगड़ा हुआ है इसकी वजह से हालात नाजुक हैं देख सकते हो आप क्या लिखा है जो ट्रेड गैप है ये काफी वाइडन हो चुका है काफी चौड़ा हो गया है कितना हो चुका है? बढ़ करके, हो चुका चुका है है बिलियन बिलियन डॉलर डॉलर ऑब्वियसली कोई अच्छी चीज नहीं है इस मैप को आप सभी लोग देख सकते हो है ना क्या मैं इसे बढ़ा सकती हूँ हाँ. शायद से आप लोग इसे देख सकते हो मैप को आपको दिखता भी होगा काफी सही से जरा देखिएगा सभी लोग जो ट्रेड है फिलहाल में ये आपको जो ब्लू लाइन दिख रही है यहां पर ये आपको जो यहाँ पर ब्लू लाइन दिख रही है ना कहा गई ये आपको एक्सपोर्ट दिखा रहा है और ये रेड लाइन आपको इंपोर्ट दिखा रहा है तो ये देखो जरा आप लोग ये अप्रैल 2021 की न्यूज है ठीक है एक्सपोर्ट अपना कितना दिख रहा है थर्टी पॉइंट सिक्स थ्री बिलियन डॉलर इंपोर्ट कितना दिख रहा है फोर्टी फाइव अब अगर आप देखो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में कितना डिफरेंस रहा है तो एक्सपोर्ट थर्टी से बढ़कर के आया भी है तो थर्टी है अभी फिलहाल में जून दो हजार बाईस के अंत तक में लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें इम्पोर्ट को तो तोरो बिलियन डॉलर से बढ़ के, कितना हो गया है बिलियन डॉलर तो आप खुद ही देख सकते हो कि इनके हालात बड़े नाजुक हैं, ठीक है क्योंकि एक्सपोर्ट का देखो एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम लोग कुछ दूसरे देश को बेचते हैं ठीक है selling to other country लेकिन अगर मैं आपसे बात करती हूं इंपोर्ट का क्या मतलब होता है बाइंग फ्रॉम एन अदर कंट्री इसका मतलब होता है बाइंग फ्रॉम अनादर कंट्री ठीक है तो कभी भी आप लोग कुछ भी दूसरे देश को बेचोगे उसमें हमेशा आप लोगों का फायदा होगा और कुछ खरीदोगे तो नुकसान होगा क्योंकि पैसे जाएंगे आपके जाहिर सी बात है किसी भी देश का एक्सपोर्ट अच्छा होना चाहिए उसकी परफॉर्मेंस के लिए लेकिन हमारे देश में एक्सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं हो रहा है अभी उसके बहुत सारे यही है कि हम लोग की बहुत हेवी डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल और गोल्ड की इम्पोर्ट पर बहुत ही हैवी डिपेंडेंस है जिस दिन ये डिपेंडेंस मैं आपसे कई बार कही हूँ जिस दिन क्रूड ऑयल की समस्या शांत हुई उस दिन हमारे देश का ये जो गैप है ना ये देखो कितना ज्यादा गैप रहा है इसको अगर आप लोग कम है यहां पे भी कम है रहेगा। हम ही देखेंगे। अगर क्रूड ऑयल की समस्या निशान हुई तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि क्रूड ऑयल अब बहुत चीजें की जा रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल एथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत चीजें की जा रही हैं बट स्टिल अभी वो तरीका नहीं आजमाया गया है जो हम लोग कर सकते हैं या जिसको करना है हमें आगे जा करके तो उसी पे सरकार फोकस कर रही है फिलहाल में तो हालात खराब हैं। फिलहाल में हमारा एक्सपोर्ट बहुत कम है इम्पोर्ट बहुत ज्यादा है ओके एक सेकेंड तो आप जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग खबर पे हाँ खबर ये है हमारी अब ये क्या हुआ अब ये नया हो गया इसमें कुछ बहुत झंझट वाला काम है बोर्ड पे पढ़ाना नॉट सो so <laughs> देखो भाई जैसे मैं आपको बता रही थी कि अपने पे अभी हुआ क्या है अपने पे अभी हाल फिलहाल में एकदम से हमारे वहां का जो रशिया एंड यूक्रेन वॉर हाँ कह सकते हो रशिया यूक्रेन वॉर इसमें बहुत बड़ी क्या है बहुत बड़ी इसमें आप लोग कह सकते हो ये तो गए हो नहीं, नहीं ये यही पर है रशिया यूक्रेन वाले इसमें आग लगाने का काम किया कहीं ना कहीं क्या दोस्तों देखो क्या हम लोग देख रहे हैं हम लोग ये देख रहे हैं कि भारत का जो मर्चेंडाइज ट्रेड डिफिसिट है ये काफी बढ़ गया है एक्सपोर्ट हमारा सिक्सटीन परसेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है ठीक है थर्टी बिलियन डॉलर तक जून में लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं हमारी इंपोर्ट तो वो भी बहुत ही तेजी से बढ़ गई है क्योंकि इम्पोर्ट सीधा सीधा इट जंगी 51 परसेंट तो एक्सपोर्ट देखो केवल 16 परसेंट पड़ा है जबकि इंपोर्ट हमारा 51 परसेंट तक बढ़ गया है जो कि बहुत ही बुरी खबर है हमारे लिए ठीक है इस वजह से आपका जो ट्रेड डिफिसिट है वो भी वाइडन हो चुका है ट्वेंटी बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है अब हमें यहाँ से क्या समझना होगा हमें यहाँ से यह समझना होगा कि ये जो ट्रेड डिफिसिट है इसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं ये आप लोग क्या कहोगे बैलेंस ऑफ ट्रेड पढ़ते होगे आप लोग एक शब्द बैलेंस ऑफ ट्रेड यही होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डिफरेंस कभी भी आप लोगों का एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रेड सरप्लस और कभी भी अगर आप लोगों का एक्सपोर्ट कम सॉरी कम है और इम्पोर्ट बहुत ज्यादा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं ट्रेड ट्रेडिसिट तो ये सारे जरा आप लोग ध्यान रखे रहो जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कई के बाद ठीक है नाउ अब जरा अगला देखो यहां हम लोग देख सकते हैं कि हमारे देश में जो कोल प्रोडक्शन है वो सब तो बहुत धीमे धीमे से बढ़ रहा है प्लस सरकार ने हमसे ये भी कहा है कि आप लोग 10 परसेंट इम्पोर्टेड कोल को भी क्या करोगे अब मिलाओगे अपने वहां पर लेकिन गोल्ड का हो गया अगर डिमांड या बाकी सारी चीजों का बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं घी में सॉरी आग में घी का काम करता जा रहा है इस वजह से बढ़ता गया है दो तीन पॉइंट तो के अंदर ये पूरा पूरा जो खेला होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का इसको कौन कहां पे लिखता है इसको लिखने का काम होता है आरबीआई का और कहां पे लिखती है उसका नाम होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक है तो आरबीआई इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट में, में करती है वहां पे लिखती है इसके अलावा ट्रेड डिफिसिट किसका पार्ट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट होता है ठीक है ये जितनी भी ट्रेड है किस किताब में लिखी जाएंगी बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिखी जाएंगी ठीक है और एक और बात बच्चों कि पूरे विश्व का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है इसको कौन मेंटेन करता है इसको आईएमएफ मेंटेन करता है किसी को कोई दिक्कत तो परेशानी एवरीथिंग ओके शैल वी मूव फॉरवर्ड देखो भाई आज ये बोर्ड बहुत अति कर चुका है हाँ चलो लिख रहा थैंक गॉड आई ठीक है <laughs> देख लो भाई अभी अगर मैं आपसे बात करूं तो फिलहाल में हमारे वहां पे कौन कौन से तो सेक्टर कंपैरेटिवली अच्छा है एक तो एग्रीकल्चर को याद रखे रहो आप लोग एग्रीकल्चर का जो हमारा एक्सपोर्ट था ये कुछ फिफ्टी बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था ठीक है ऐसे हमारे वहां पे जो एपरल या टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है ये काफी अच्छा किया है ठीक है साथ में और क्या अच्छा किया जो हमारा फार्मा सेक्टर है तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स से हैं जिन्होंने इस बार काफी अच्छी तरक्की करी है लेकिन एज यूज गोल्ड वगैरह क्या है वो भी बहुत अच्छे से तरक्की कर रहा है हम लोग उसकी भी खूब इंपोर्ट कर रहे हैं ठीक है थीके? भारत में क्रूड ऑयल की हम बात कर ले भारत सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल कौन से देश से देश खरीदता है सबसे ज्यादा खरीदता है इराक से नेक्स्ट किससे खरीदता है रशिया से उसके बाद किससे खरीदता है सऊदी अरबिया ठीक है और हमने क्या देखा था कि जो भारत का एक्सटर्नल डेट है ये बढ़ गया है एक्सटर्नल डेट बढ़कर हमारा परसेंट तक हो चुका है ठीक है तो ये कुछ पॉइंट हमने अभी हाल फिलहाल में पढ़े थे जो हम लोगों को याद होनी चाहिए एग्जाम से ठीक है हाँ चलो अगला देख लें किसी को कोई दिक्कत परेशानी अब देखो सीबीएसई ने अभी भी एक चीज लॉन्च करी है जिसका नाम है परीक्षा संगम पोर्टल ठीक है क्या नाम है इसका परीक्षा संगम पोर्टल ध्यान दो जो सीबीएसई बोर्ड है इन्होंने संडे को लॉन्च किया है परीक्षा संगम को जिससे जो भी बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट सैंपल पेपर या बोर्ड रिलेटेड कोई भी डिटेल हो वो इस परीक्षा संगम पोर्टल पर लोगों को आसानी से मिल सके ठीक है अब देखिए जो आपकी सी बी एस ई डिजिटल एजुकेशन डॉट कॉम है ये जो नई इसके हिसाब से परीक्षा संगम पोर्टल की हम बात करें तो ये तमाम तरीके के एग्जामिनेशन एक रिलेटेड प्रोसेस को एक सिंगल विंडो पर अवेल कर देगी एक पोर्टल पर आ जाएगा जिससे लोगों को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी आसानी से एक पोर्टल पर जाएंगे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं लॉन्च करने वाली इसको सीबीएसई है ठीक है ध्यान दीजिएगा परीक्षा संगम की हम बात करें तो ये एक और एक पोर्टल लॉन्च कर दी गई है जिससे स्टूडेंट्स की बहुत ही ज्यादा मदद होने वाली है अब ये बेसिकली बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है

इसके अलावा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हो अब इसको जो है जैसे सीबीएससी है सीबीएसई अपने अलग अलग लेवल के से काम करता है कुछ उनका हेड ऑफिस ऑफिस होता है है कुछ कुछ उनके रीजनल और कुछ जो स्कूल वाले होते हैं ठीक तो इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अलग अलग जगह कैटेगोरिकली सही तरीके से लाने के लिए इन्होंने परीक्षा संगम पोर्टल को तीन तरीके से डिवाइड किया है पहला है जिसका नाम क्या रहेगा स्कूल्स के लिए जो भी इंफॉर्मेशन आएंगी वहां की ऑफिस से ये हो जाएगा आपका गंगा तो परीक्षा गंगा परीक्षा सॉरी जैसे हम देख सकते हैं परीक्षा संगम पोर्टल है इसके अंदर जो गंगा करके हमें सेक्शन देखेगा यहाँ पे स्कूल रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो दी जाएगी ठीक है नेक्स्ट होगा आपका यमुना तो सीबीएसई की जो भी रीजनल ऑफिस रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो यमुना पे दिखेगी और फिर है सरस्वती सीबीएसई की कोई भी अगर हेड ऑफिस से कोई नया इंफॉर्मेशन रिलीज किया जा रहा है तो वो सरस्वती पे दिखेगा तो ये तीन अलग अलग सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया गया है तीनों अलग अलग ऑफिस की वर्किंग और नए अनाउंसमेंट को जानने के लिए नाम क्या है इसका परीक्षा संगम पोर्टल ठीक है ये एक वन स्टॉप पोर्टल है सभी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम एक्टिविटीज के लिए ठीक है अभी जरा आप लोग देखिएगा ये किसके लिए हेल्पफुल होगा टेंथ और ट्वेल्थ जो सीबीएसई बोर्ड के हैं आईसीएसई वालों के लिए कुछ नहीं हुआ है ठीक है तो ये जरा आप लोग ध्यान रख के रहना हाँ भाई इसका नाम आप लोग याद रखे रहो किस किस सेक्शन में डिवाइडेड है ये याद रखे रहो ये इंपॉर्टेंट है इससे ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं अब ये बताओ जरा सीबीएसई की चेयरमैन कौन है अभी हु इज़ द चेयरमैन ऑफ़ सीबीएसई एनी वन कैन आंसर सो डू आंसर ऑल दो इट इज वेरी 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 इजी थिंग स्टिल ट्राई आंसरिंग खैर जैसा हम सभी को पता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ठीक है ये क्या होता है बेसिकली आ, ये बोर्ड कंडक्ट कराता है ओके और फिलहाल में चीफ निधि इनको याद अभी रहिएगा में यहाँ पे चीफ है ठीक है और इसके साथ में क्या याद रखे इसके साथ में याद रखे रहिएगा इनका हेड ऑफिस कहां पर है? होता है इनका हेड ऑफिस होता है नई दिल्ली इंडिया के अंदर नई दिल्ली इंडिया में ही है तो ये तो आप लोगों को याद ही होगा ठीक है फॉर्मेशन कब हुई थी इनकी फॉर्मेशन हुई थी टू जुलाई नाइनटीन ट्वेंटी नाइन यानी टू जुलाई को सीबीएसई डे होता है ठीक है और जैसे आप लोग देख सकते हो काफी समय हो चुका है इनके बने हुए लगभग साल पुरानी संस्था है है ये ठीक तो ये भी आप लोग याद रखना कभी कभी एग्जाम में टफ करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं ठीक है बच्चों चलो अब अगर हम लोग कुछ और बातें याद कर लें हाल फिलहाल में रिलेटेड टू एजुकेशन सबसे पहले आप लोग याद रखे रहिएगा कि जो सीआईटी है एनसीआरटी का इसको यूनेस्को का किंग हामद अवार्ड दिया गया था क्यों ये अवार्ड दिया गया था जिस तरीके से इन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज किया है एजुकेशन इंपार्ट करने में ई विद्या के थ्रू उस वजह से इनको यह अवार्ड दिया गया था तो सबसे पहले तो इसको आप लोग ध्यान रखे रहो इसके अलावा क्या याद रखे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो फोर्थ गोल होता है ये एजुकेशन होता है तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एस में एजुकेशन किस गोल पर होता है ये आपका फोर्थ पर होता है ठीक है एसडीजी टोटल सेवनटीन होते हैं फोर्थ आपका एजुकेशन होता है ठीक है और क्या याद रखे रहो आप लोग और आप लोग याद रखे रहिएगा कि जो हमारे इस बार एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो एलोकेशन किया गया था बजट में वो किया गया था वन जीरो फोर टू सेवन सेवन करोड़ कितना वन जीरो फोर टू सेवन सेवन करोड़ अब मान लो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है पूछा जाता है कि मान लो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कभी कि अपने वहां पर जो आपकी है एजुकेशन पॉलिसी इसके मुताबिक जीडीपी का कितना परसेंटेज एल, एलोकेट करना चाहिए एजुकेशन को इसके मुताबिक जो परसेंटेज इन्होंने कहा है वो इन्होंने कहा है छह परसेंट जीडीपी का एजुकेशन एजुकेशन uh, को एलोकेट करना चाहिए जो कि दूर दूर तक ऐसा होता नहीं है ठीक है इनके मुताबिक छह परसेंट तक एलोकेट करना चाहिए ठीक है बच्चों और क्या आप लोग याद रखे रहो ओके ग्रेट गौरव हैव इट खैर अच्छा इसके अलावा याद रखे रहिएगा कि अगर हम लोग देखें कि हमारी इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक अभी तक कितना इन्होंने एलोकेट किया जीडीपी के परसेंटेज में तो पिछले साल में 2019-20 में 2.8 परसेंट इन्होंने एलोकेट किया था जबकि 2021 में 3.1 परसेंट इन्होंने किया एलोकेट ओके okay? तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोगों को पता होनी चाहिए एनईपी के मुताबिक कितना होना चाहिए 2019-20 में कितना एलोकेट किया गया था 2021 हजार में कितना एलोकेट किया गया है एग्जाम में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी ठीक है एक बात मुझे आप लोग और बताइएगा जरा सभी लोग कि हमारे वहां जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है इसको बजट में क्या एलोकेट किया गया है एनी वन हुन आंसर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को बजट में कितना एलोकेशन हुआ है इस बार इनका ये एक और भी बात है कि ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है नॉट एज इजी बट स्टिली नीड टू ट्राई वी नीड टू हैव एन आंसर फॉर दिसंटेड ये बिकॉज एग्जाम में ऐसे बहुत आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार पूछे जाते हैं बच्चों इसको आप लोग याद रखे रहेगा ठीक है Keep on trying, keep on trying. ये forty thousand करोड़ था forty thousand hundred and thirty four करोड़ Department of Higher Education का ये अलोकेशन था ठीक है School Education literacy का sixty three thousand करोड़ था किसकी बात हुई स्कूल लिटरेसी वगैरह का जो है ये आपका सिक्सटी थ्री थाउजेंड करोड़ था फिर आप लोगों का समग्र शिक्षा अभियान होता है इसको भी याद रखेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्पलर स्कूल्स खोलने को कहे गए थे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एग्जाम्पलर स्कूल अपने देश में लगभग पंद्रह हजार खोले जाएंगे इस इसपे भी बात हुई थी काफी डीप में हम लोगों की एक बार डिस्कशन हो चुकी है ठीक है जहां पे क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए ठीक है और जो बजट एलोकेशन इनको किया गया है ये है अठारह करोड़ का एग्जाम्पल स्कूल कितने खोले जाएंगे पंद्रह हजार इनका बजट एलोकेशन क्या है अठारह सौ करोड़ का ठीक है बच्चों और क्या याद रखे रहो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए भी बजट एलोकेशन आप लोगों का किया गया हुआ है और ये लगभग आप लोगों का कितना है एक सौ दस करोड़ मैं इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन में हूँ तो मैं आप लोगों को अभी इसके बारे में बहुत नहीं बताऊंगी ठीक है क्योंकि पता चला मैं कंफ्यूज हूँ आपको कुछ बता दी आप लोग जाके वहां पर लिख के आ गए तब तो हो गया काम पूरा ठीक है हाँ भाई चलो खैर अच्छा बस एक बात और आप लोग याद रखे रहो हमारे वहां पे एक स्टार्स प्रोग्राम होता है वर्ल्ड बैंक इसकी फंडिंग करता है हमारे साथ में ठीक है तो ये जो स्टार्स प्रोग्राम हम लोग देख रहे हैं ये स्टार्स प्रोग्राम आप लोग का इसका कितना एलोकेशन है इक्कीस बाईस का इक्कीस में इसको 485 करोड़ एलोकेट किया गया है ठीक है हाँ ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत सारे क्वेश्चन यहां से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं आगे बढ़ा जाए अब हम लोग टीचर की भी भर्ती अग्निवीर क्यों तुम ऐसा कर रहे हो टीचर्स के लिए ऐसा क्यों कह रहे हो <laughs> और फिर उन लोगों को भी विदा करना चाहिए लेकिन उन लोगों की विदाई पचास लाख से होनी चाहिए ओके चलो तो ये खबर खबर हो गई हमने देख लिया अच्छा दोस्तों एक और भी बात मैंने जैसे आपको बता रखा है कल सुबह ग्यारह बजे मेरी गोल्ड बैच की क्लास है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है डेमो क्लास है तो इसे आप सभी लोग कर सकते हो ऑलिव बोर्ड की पेड क्लास के प्लेटफॉर्म पर आप जा सकते हो सुबह ग्यारह बजे मेरी क्लास आपको मिल जाएगी डेमो होगा आप लोग देख सकते हो कैसा कंटेंट है क्या पढ़ाया जा रहा है उसके हिसाब से आप चाहो तो इसे फर्दर परचेज कर सकते हो ठीक है चलो क्या अगली न्यूज पे बढ़ते हैं अब ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है एलोडा कप तो जो यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है अल्फिया पठान और गीतिका इन्होंने गोल्ड मेडल इसमें जीता है ठीक है देखो रीनिंग यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप अल्फिया पठान एंड गीतिका हैव वन गोल्ड मेडल्स एट द सुल्तान कजाकिस्तान तो सबसे पहले तो हमें यहां से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गए आप इतना सारा डेटा कैसे याद रख लेते हो क्योंकि मैं ये डेटा कम से कम छह बार डिस्कस कर चुकी हूँ मुझे जितना याद है एनईपी की डेटा हो गई ये सब इतनी ज्यादा बार डिस्कशन हो चुकी है कि अब मुझे याद हो जाता है इसी से कहती हूँ क्लास को डेली आ, किया करो महीने में एक बार जरूर हम लोग ये सब डिस्कस करते हैं ठीक है तो डेली बेसिस पे करोगे ना बहुत फायदा होगा यहाँ आप जैसे देख सकते हो अभी अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है ठीक है और ये एलोर्डा कप हुई है मतलब ये भी आपसे पूछा जा सकता है एलोर्डा कप किस चैंपियनशिप से रिलेटेड है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है ठीक है तो ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई है नूर सुल्तान में विनर कौन कौन है अल्फिया पठान और गीतिका

और किस में फोर्टी एट के फाइनल में तो ये भी आपको याद होना चाहिए किस कैटेगरी में ये लोग विनर्स हैं यहाँ से भी एग्जाम आपसे कई बार पूछा जाता है तो ये हो गए इनके दो गोल्ड इसके अलावा देखिएगा हमारे वहां से जमुना जी भी थी जो कि उज्बेकिस्तान की निगीना उत्मा कोवा के अगेंस्ट हार गई है ठीक है विद द एडिशन ऑफ टू गोल्ड टू सिल्वर एंड टेन ब्रॉन्स मेडल्स ऑन द फाइनल डे दर्टी थ्री मेंबर इंडियन कॉन्टिजेंट कंक्लूडेड अ कैंपेन विद ओवरऑल टैली ऑफ

चलो कुछ हम लोग अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड बातों को कर ले जो की बड़ी इंपॉर्टेंट है सबसे पहले याद रखिएगा अभी अभी नीरज चोपड़ा जी को सिल्वर मेडल मिला है किसमें डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा तो बिल्कुल इस समय फिर से फॉर्म में ही है ये हमेशा ही फॉर्म में रहते हैं वैसे ठीक है तो इन्हें अभी क्या मिला है सिल्वर मेडल मिला है डायमंड लीग चैंपियनशिप में ठीक है और क्या याद रखिएगा जो अदानी स्पोर्ट्स लाइन है ये प्रिंसिपल स्पॉन्सर बन चुका है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का स्पोर्ट्स लाइन ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के स्पॉन्सर बने अभी ठीक है तो ये भी जरा आप लोग साइमल्टेनियसली याद रखे रहो और क्या याद रखे रहिएगा यू ट्वेंटी थ्री एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है दीपक पुनिया इसमें ब्रॉन्स इन्हें मिला इस चैंपियनशिप पे दीपक पुनिया जी ने ब्रॉन्ज स्कोर करा है तो ये भी आप लोग याद रखे रहिएगा और ये याद रखी रहिएगा की धनलक्ष्मी जी तीसरी फास्टेस्ट इंडियन है दो सौ मीटर में और रणजी ट्रॉफी हुई थी जिसमें मध्य प्रदेश ने मुंबई को हरा दिया था फिर वरिंदर सिंह जी की मृत्यु हो गई है जो की हॉकी प्लेयर थे ए एन सुधीर जी जो कि फुटबॉलर थे इनकी मृत्यु हुई है ऑइन समथिंग इन्होंने अभी अभी अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है रुमेली दर मिताली राज दोनों ही भारतीय महिला क्रिकेट टीम की थी इन लोगों ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है तो ये कुछ और भी न्यूज थी याद रखने वाली ओके चलो आगे बढ़ा जाए हम लोग करते चलो दोस्तों आज मेरे फोन में ऐसे बार बार हो रहा है कोई मुझे दिख ही नहीं रहा ना मैं दिख रही हूं ना तुम लोग दिख आज तब से ऐसे ही चल रहा है मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर कुछ ऐसा फिट है जिससे मैं गैजेट्स को वो करती हूँ मतलब उनसे थोड़ा सा रेजिस्टेंस शो करती हूँ जैसे बोर्ड ही देख लो हाँ अब देखो मिशेल पुनावाला ठीक है मिशेल पुनावाला जी को अभी अभी शिरोमणि अवार्ड मिला है तो शिरोमणि अवार्ड बेसिकली इसको दिया जाता है किसी का भी अगर कॉन्ट्रीब्यूशन होता है आर्ट्स वगैरह में उसको तो ये सिर्फ मिशेल पुनावाला को नहीं मिला है और भी लोगों को मिला है ठीक है चलो थोड़ी हम लोग अब, अब अब अगर इसको डिस्कशन कर लेते हैं इसकी एक सेकेंड रुक जाओ मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है एक सेकेंड बस रुकना चलो कोई जो भी है देखो हम लोग खबर को जरा पढ़ते चलते हैं कि एग्जैक्टली exactly हुआ क्या है देखो मिशेल पुना वाला है इन्हें अभी-अभी शिरोमणि अवार्ड दिया गया है एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 यूनाइटेड किंगडम के अंदर ठीक है तो ये आप लोगों का एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 हो रहा था यूनाइटेड किंगडम के अंदर वहां पे इन्हें क्या दिया गया है? इनका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है आर्ट को लेकर के उसको ध्यान में रखते हुए इन्हें ये शिरोमणि अवार्ड दिया गया है ठीक है इसके अलावा अगर हम लोग देख लें तो जो शिरोमणि अवार्ड है ये और किसको दिया गया है ये और दिया गया है श्री साधु ब्रह्म विहारी लॉर्ड रमी रेंजर रीता हिंदुजा छापरिया इन लोगों को भी ये अवार्ड दिया गया है ठीक है अब अगर हम लोग देखें तो जो मिशेल पुना वाला जी हैं ये बहुत ही मतलब कह सकते की नोट स्पीकर है हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर ठीक है और जो भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन अभी तक फील्ड ऑफ आर्ट में रहा है वो ध्यान में देखते हुए ऐसा दिया गया है ठीक है इसके अलावा देखिए पुनावाला जी ने अपना जो आर्ट वर्क है रिजर्व इसको अनवील किया गया था जेएमएस फाउंडेशन चैरिटी गाला के अंदर इनकी फिल्म रिजर्व हाईलाइटेड वाटर स्कैरसिटी जो भी ग्लोबल क्राइसिस है वो इसको, इस चीज को क्या की थी हाईलाइट करी थी ठीक है यहां देखिएगा कि जो ये आपका शिरोमणि अवार्ड है इसकी शुरुआत हुई थी उन्नीस से और इसको बेस्टो किया जा चुका है मदर टेरेसा चीफ मार्शल मेनक शाह राज कपूर सुनील गावस्कर सचिन तेंदुलकर कपिल देव पीटी उषा लेंडर पेस विश्वनाथन आनंद दलाई लामा जया बच्चन और आशा भोसले जी के भी ये दिया जा चुका है ठीक है तो ये भी आप लोग जरा ध्यान रखे रहिएगा हेलो ठीक है कुछ और अवार्ड्स अगर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लू कि हाल फिलहाल में क्या कोई और भी ऐसा अवार्ड था जो हम लोग को याद होना चाहिए तो बहुत सारे एक्चुअली ऐसे अवार्ड थे जो आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो कि हम लोग को याद भी होनी चाहिए सबसे पहले हम लोगों ने कल ही पढ़ा था अबाउट सिरी शेट्टी ठीक है इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है फेमिना मेस इंडिया अभी अभी इन्होंने क्लिंच किया है तो सबसे पहले ये आप लोग याद रखी देगा है ना फिर तनुजा निसारी जी के बारे में हमने पढ़ा था तनुजा निसारी जी आई आई ए की डायरेक्टर है और इन्हें क्या दिया गया था आयुर्वेद रत्न अवार्ड इन्हें आयुर्वेद रत्न अवार्ड दिया गया था ठीक है हां भाई ये भी आप लोग ध्यान रखे रहो और ये याद रखे रहो एचसीएल को इस बार माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है ठीक है माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर एचसीएल को दिया गया अशोक सूता जी को CII क्वालिटी अवार्ड दिया गया है अशोक सूता सी आई आई क्वालिटी रत्न अवार्ड करके दिया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखे रहो और ओडिशा हाँ ओडिशा जैसे आप लोगों ने बहुत लोगों ने बताया ओडिशा को नेशनल एमएसएमई अवार्ड दिया गया है ठीक है बिल्कुल सही बता रहे हो चलो अगली खबर पे हम लोग बढ़ते हैं री एक्सप्लेन दिस मैम वॉट शेल आई री एक्सप्लेन ये सारे अभी हाल फिलहाल के अवार्ड हैं जो मैंने बताए तो अभी जब सेशन दोबारा देखोगे अपने आप ही क्लियर हो जाएगा ओके हाँ मो बस को ट्रांसपोर्टेशन के लिए अवार्ड दिया गया वेरी गुड शेयर वे कर दो यार सौ करा दो किसी तरह अब देखो हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है नारी को नमन स्कीम ठीक है क्या है नारी को नमन बेसिकली नारी को नमन जो स्कीम इन्होंने लॉन्च किया है इसमें जो इन लोगों की ट्रेवलिंग चार्जेस हैं बस फेयर ये कम किए जा रहा है ठीक है जिससे इनका जो भी आप लोग कह सकते हो तो एक्सेस अलग अलग जगह तक पहुंचना वो आसान हो सकेगा इनकी अपनी कुछ बचत हो सकेगी पैसेंजर फेयर्स में बिकॉज अगर आप लोग देखो तो प्लेन एरियाज में जो टिकट होती है वो लगभग वन पॉइंट समथिंग रुपीज पर किलोमीटर होती है जबकि हेली एरियाज में यही अप्रोक्स टू पॉइंट वन सेवन किलोमीटर पर एरियाज हो जाती है जो कि बढ़ जाती है तो अब जो यहाँ पे महिलाएं हैं इनको कुछ छूट दी अभी अभी यहाँ के सीएम ने यही आपकी स्कीम है ध्यान दीजिएगा चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर जी ने लॉन्च किया है नारी को रमन सॉरी नमन ओके okay? ताकि 50 परसेंट कंसेशन प्रोवाइड किया जा सके किराए पर हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन बसेस पे किसको महिलाओं को दिया जा सके जो भी कम्यूट कर रही है जो भी ट्रेवल कर रहे हैं ठीक है थीके? अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीमा ठाकुर द फर्स्ट वुमेन बस ड्राइवर इन द स्टेट ये इन्होंने जयराम ठाकुर जी को स्टेट ट्रांसपोर्ट बस में बैठाकर इवेंट वेन्यू तक लेकर के आई ठीक है ठीके? जो आपकी चीफ मिनिस्टर है जयराम ठाकुर जी ने उन्होंने 50 कंसेशन अनाउंस कर दिया था हिमाचल डे 15 अप्रैल को अब उसको फिलहाल में जारी कर दिया गया है तो ये जारी रहेगा आप लोग का 30 जून के बाद से 30 जून 2022 के बाद से जो भी यहाँ की महिलाएं हैं वो जब भी कम्यूट करेंगी तो जो उनका आ, फेयर होता है बस वगैरह का वो पचास परसेंट कम कर दिया जाएगा जिससे इनकी बचत हो सके और अगर किसी भी आसपास के एरिया में जाना है है तो आराम से जा सके लेकिन ये ये सिर्फ सिर्फ और विद इन स्टेट है। इसके बाहर सुविधा नहीं मिलेगी ठीक है इसके अलावा देख लो जो गवर्नमेंट है इन्होंने सैंक्शन किया है पच्चीस नया पोस्ट फीमेल ड्राइवर के लिए राइड विथ प्राइड गवर्नमेंट टैक्सी सर्विस तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन सी राज्य सरकार ने पच्चीस नए पोस्ट लॉन्च किए हैं फीमेल ड्राइवर्स के लिए राइड विद ड्राइव सॉरी राइड विद प्राइव गवर्नमेंट टैक्सी सर्विस ठीक है खैर हिमाचल प्रदेश की हम लोग अगर बात कर ले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आ, याद रखे रहो भाई कैपिटल यहाँ का शिमला समर टाइम धर्मशाला विंटर चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर गवर्नर होते हैं राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर क्या आप में से कोई बता सकता है ये यूनिक कैमरा है या बाइक कैमरा है एनी वन कैन आंसर माई क्वेश्चन इज इज इट अमरल और यूनी 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 यस वेरी गुड ये यूनी कैमरल है यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं सर्फ सर्फ है सिर्फ और सिर्फ असेंबली है ठीक है कितनी सीट हैं ये तुम लोग बताओ ये मैं आज नहीं बताऊंगी एनी anyway, अब थोड़ी हम लोग हिमाचल प्रदेश रिलेटेड बातें याद कर ले तो ये पहला ऐसा स्टेट है जिसने पॉलिसी अप्रूव की है फॉर ड्रोन्स ड्रोन्स के लिए पॉलिसी अप्रूव करने वाला सबसे पहला जो स्टेट है ये आपका हिमाचल प्रदेश है ठीक है इसके अलावा क्या याद रखिएगा कुछ दिन पहले इन लोगों ने अपना कांगड़ा ऐप लॉन्च किया था क्या लॉन्च किया था अपना कांगड़ा ऐप ये इन्होंने लॉन्च किया था इसके अलावा आप लोग क्या याद रखे रहिएगा कि चंबा चंबा यहाँ का हंड्रेड मतलब ओवरऑल हंड्रेड डिस्ट्रिक्ट था हमारे देश का हर घर जल के अंदर ठीक है बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्या याद रहिएगा? कि पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क इनका मंडी में आया है नहीं बताओगे मैम <laughs> नहीं मैं नहीं बताऊंगी ओके इनका पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क मंडी में आया है कहाँ आया है मंडी तो ये भी जरा आप लोग याद रखे रहो इंपॉर्टेंट थिंग और क्या याद रखे रहो आरोहन फोर पॉइंट किया गया था वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है है जब हम लोग हिमाचल प्रदेश की बातें करते हैं तो जैसे मैंने आपको कई बार बता रखा है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे पूछे जा सकते हैं यूनिकैमरल एमरल बाइक का मतलब होता है यूनिकैमरल का मतलब हुआ ऐसा स्टेट जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली हो ठीक है बाइक एमरल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल दोनों हो ठीक है जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है विधानसभा है विधान परिषद नहीं है ये आप लोगों को पता होनी चाहिए एग्जाम में यहाँ से आपसे काफी कुछ पूछा जा सकता है ठीक है अगर मैं आपसे पूछू की हिमाचल प्रदेश की आपकी लोकसभा में कितनी सीट्स होती है नहीं बताओगे हाँ, लोकसभा की सीट में आपसे पूछती हूँ हिमाचल प्रदेश में लोकसभा और राज्यसभा कितनी सीट्स होती हैं ये मुझे भूल गया तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ ठीक है नाउ सर्च इट ऑन द लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स इन हिमाचल प्रदेश ओके चलो देखो फ्रेंड्स सफरन ये कंपनी है जो कि जो एयरलाइंस होती है उनके पार्ट्स को बनाती बनाती है ठीक है उनके तो ये ये अभी, अभी, अभी एक मीटिंग करी है राजनाथ सिंह जी के साथ उसमें इन्होंने कहा है कि हमारे देश में डेढ़ सौ मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेंगे अपनी यूनिट शुरू करेंगे हैदराबाद के अंदर और वहां पे हमें प्रोवाइड करेंगे हमारी कॉमर्शियल एयरलाइन हालांकि ये जो काम करती हैं कमर्शियल एयरलाइन और जो भी फाइटर होती हैं प्लेन्स उनके लिए करती हैं अपने देश में इन्होंने कहा है कि ये इतने 150 मिलियन डॉलर का एक यूनिट एस्टैब्लिश करेंगी हैदराबाद के अंदर कंपनी का नाम क्या है सेफरन ठीक है कहाँ की होती है फ्रांस की ठीक है अब देखो अभी एक हाई लेवल डेलीगेशन फ्रेंच कंपनी सेफरन ग्रुप की मीटिंग हुई है इनके सीईओ ओलिवियर एंड्रेस

किसके लिए जो लीप वन लीप वन बी इंजिन इंडियन और फॉरेन कमर्शियल एयरलाइन में यूज की जाती है इसके लिए ये सर्विस को हमें प्रोवाइड करना चाहते हैं जैसे मेरी स्कूटी भी घटती थी तो मैं होंडा के सर्विस सेंटर पे ले जाती थी तो मेरे पास प्लेन तो नहीं है तुम लोगों के पास होगी तो यहाँ लेते जाना ठीक है देखो प्लेन भी लोगों की बिगड़ेगी तो यहीं पे ठीक होगी ये हम लोग हम गरीबों की बात नहीं हो रही है चलो क्या देखो मेंटेनेंस रिपेयर फैसिलिटी है डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है क्योंकि देखो ये क्यों डायरेक्ट एफ क्यों हम कहेंगे क्योंकि ये अपनी पूरी पूरी एक यूनिट कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि हमारे वहां हाँ, ऐसा नहीं है कि हमारे वहां किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ये अपनी यूनिट कर रहे हैं इसलिए एफडीआई है ठीक है एक और भी बात देखिएगा ये फैसिलिटी लगभग ढाई सौ इंजन पर ईयर की कैपेसिटी से शुरू की जाएगी फर्दर इसको और बढ़ाया जाएगा इन्होंने ये भी बताया है कि हम लोग तीन अलग अलग यूनिट शुरू करेंगे सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन सैफरन इलेक्ट्रिकल और पार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ठीक है ये कहां पर इसे शुरू करेंगे ये शुरू कर रहे हैं हैदराबाद ठीक है और सैफरन एच एयरक्राफ्ट इंजन ये इसे ज्वाइंट वेंचर बेंगलुरु में शुरू कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है किस कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर हो रहा है ठीक है तो ये आप लोग बस ध्यान रखे रहो खैर सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन हैदराबाद

तुम्हें क्या पता तुम लोगों को कुछ नहीं पता है चलो हाँ एग्जैक्टली exactly. तो देखो अगर ऐसा कोई कंपनी करती है दूसरे देश के आगे हमारे देश में हमारे देश में इन्वेस्ट करिए तो इससे हमारे क्या नुकसान है हमारा कोई नुकसान नहीं है हमारे भी फायदा ही है क्योंकि उस कंपनी के साथ मिलकर के हमारे वहां पे भी जॉब जनरेट होती है प्रोडक्शन होती है जो भी लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बचता है ट्रेवल कॉस्ट बचता है तो ये हमारा भी फायदा उनका भी फायदा है इसी से एफडीआई को हमेशा सपोर्ट किया जाता है तो खबर क्या है खबर यह है सेफ्रान कंपनी जो कि फ्रांस की है वो भारत में आकर अपनी यूनिट शुरू कर दी हैदराबाद और बेंगलुरु में बेंगलुरु में एच एल के साथ मिलकर कर रही है हैदराबाद में अपनी तीन यूनिट शुरू कर Repair, का 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 है मेंटेनेंस रिपेयर ओवरहॉल का काम करेगी ठीक है और इसके लिए इन्होंने वन मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने को कहा है ओके फिर देख लो इंडियन अमेरिकन मिलीनियर ऑन फोर्ब्स लिस्ट ऑफ अमेरिका ठीक है तो जरा हम बातें करते हैं ये क्या है जैसे हम सभी को पता है जैसे फोर्ब्स है वी आर ऑलवेज रनिंग लेट मुझे लगता है कि कैसे ये पॉसिबल है कि हम लोग एक घंटे में अपने सेशन खत्म कर लें जबकि मैं एक दो इम्पोर्टेंट न्यूज कभी कभी आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाती मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि मैं कैसे करूंगी एक घंटे में मैनेज चलो खैर कोई बात नहीं हाँ तो हम लोग जैसे देख रहे हैं फोर्ब्स की अभी लिस्ट ऑफ अमेरिका रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन ये लिस्ट रिलीज करी गई है, ठीक है अब इसमें बताया गया है मतलब ये इनकी मूल की है के अंदर। सबसे पहले ये जाने रहिएगा कि इसमें टॉप पर कौन है ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोगों से पूछे जाते हैं ठीक है तो डायन हेन्ड्रिक करके हैं ठीक है डाइन हेन्ड्रिक ये पांचवी बार लगातार टॉप पर है इस लिस्ट को टॉप करी है ठीक है ध्यान रखे रहिएगा आप लोग हाँ इनका मतलब अपने हस्बैंड के साथ में मिलकर के अपनी बिजनेस करती हैं ये पांचवी बार लगातार टॉप की है दूसरे पर आपकी जूडी फॉकनर करके हैं कौन है जूडी फॉकनर ये आपकी सेकेंड पर करके हैं इनको भी याद रखे रहिएगा ये विस्कॉन्सिन बेस्ड एक कंपनी की मालिक है ठीक है तो ये जरा आप लोग याद रखीजिएगा इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है ठीक है इसके अलावा सेंड्रा ब्लॉक करके वो फिल्म कैरेक्टर मतलब फिल्म से रिलेटेड है वो भी इस लिस्ट के अंदर है ठीक है अब हम लोग जरा देख लेते हैं इनके बारे में भारतीय कौन कौन इस लिस्ट में है तो देखिएगा जयश्री उल्लाल जो कि सीईओ है एरिस्टा नेटवर्क की ये ओनली फाइव इंडियन अमेरिकन है मतलब तो, आ, मतलब की टोटल पांच भारतीय मूल की महिलाएं हैं इंडियन अमेरिकन जो कि इस लिस्ट में आई है जयश्यू लाल उसमें से हैं जो टॉप फिफ्टीन में से हैं, ठीक है, है, है जो कि अच्छी बात है की। अब जरा आप लोग देखिएगा एक और भी बात इनके अलावा और किसका किसका नाम है नेहा नारखड़े ये को फाउंडर है क्लाउड कंपनी कर्नफ्रेंट की ये फिफ्टी पर है ठीक है नीरजा सेठी

तो ये टोटल भारतीय महिलाएं हैं मतलब भारतीय मूल की महिलाएं जिनका नाम इस लिस्ट में आप लोग देख लेना पीडीएफ मिलेगी ठीक है जितेंद्र सिंह जी ने अनाउंस किया है कि ये राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड शुरू करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन द फील्ड ऑफ एकेडमिक जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कभी भी कोई ऐसा अवार्ड वगैरह शुरू किया जाता है इस मकसद से शुरू किया जाता है ताकि इस बीच में कुछ कॉम्पिटिशन हो सभी लोग अच्छा कर सके उसी मकसद से ये भी इस अवार्ड को शुरू करते हैं ठीक है देखो डॉ जितेंद्र सिंह जो कि चेयरमैन भी होते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के उन्होंने अनाउंस किया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शुरू किया जाएगा एकेडमिक एक्सीलेंस फील्ड में किसकी याद में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की याद में इसको शुरू किया जाएगा कहाँ पे बताया गया है बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स में बताया गया ठीक है साथ ही साथ में इन्होंने यह भी कहा है कि अगले पच्चीस साल में प्रधानमंत्री मोदी जी का यह सपना है कि अपने देश में आप लोग कह सकते हो कि जो हमारे इंस्टीट्यूट नीड है कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच रहे अलग अलग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की वो बेहतर किया जा सके अच्छे स्कोप और फोकस के साथ इसमें बढ़ा जा सके तो यह भी हम पूरी कोशिश करेंगे ऐसा करने की अब देखिएगा जरा आप लोग ये जो वर्क है आई करेगा इसमें पचहत्तर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे ठीक है आई आई पी ए जो आपका बन रहा है मतलब ये जो है इसमें आपके पचहत्तर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे दो हजार -20 इक्कीस बाईस में ठीक है ट्वेंटी रहेंगे अप्रैल से जून दो हजार बाईस आई आईपीए जो है ये ट्रेन कर ट्वेल्व थाउजेंड फार फ्रॉम अप्रैल टू जून तो ये सब आप लोग देख लेना कोई बड़ी बात नहीं है बस ये आप लोगों को याद रखना होगा कि किसके नाम का अवार्ड अभी अभी इनिशिएट किया गया है किस मकसद से किया गया है और किसने इसका इनोग्रेशन किया है आई आई पी ए का चीफ पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन है जैसे अपने वहां पर जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं इनको और बेहतर काम करने के लिए मिशन कर्मयोगी भी होता है तो ऐसे काफी सारी चीजों पे फोकस किया जा रहा है कि हमारे वहां पे जो लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं वो भी ज्यादा से ज्यादा इनोवेटिव अप्रोच से काम कर सके ठीक है फिलहाल में ये एकेडमिक एक्सीलेंस भी इन्होंने अवार्ड इंस्टीट्यूट किया है ताकि लोगों में कॉम्पिटिशन आए और बढ़िया काम कर सके ठीक है पीएम मोदी अवार्ड भी होता है एक्सीलेंस के लिए साथ में ये भी आ गया ठीक है तमिलनाडु ने साठ एमओयू साइन किया कहा सब लोग हां यहां पर सब लोग हर वीडियो पे डबल टैप लाइक करता हूं बहुत अच्छी बात है बहुत बढ़िया तो तुम्हारा एक भी लाइक नहीं है इसका मतलब कट्टी चलो अब देखो तमिलनाडु सरकार ने साठ एमओयू वन पॉइंट टू फाइव लाख करोड़ के साइन किए हैं ठीक है तो एक्जैक्टली exactly खबर क्या है तमिलनाडु सरकार चाहती है अपनी इकोनॉमी को वन ट्रिलियन डॉलर तक बनाना दो हजार तीस तक इसके लिए बहुत सारी चीजों पे फोकस कर रही है मेक इन तमिलनाडु प्रोडक्ट्स पे भी फोकस कर रही है कैसे हम लोग इसको आगे ले जाएं कैसे सभी के योगदान से हम लोग तमिलनाडु स्टेट को एकदम बेहतर बना सके इसके लिए इन्होंने काफी सारे एमओयू साइन किए फिलहाल में हम वही खबर पढ़ रहे हैं देखो तमिलनाडु सरकार ने साठ एमओयू साइन कर रखे अभी तक जिसके लिए इन्वेस्टमेंट हो रखी है वन करोड़ और इससे कहा गया कि जो हम लोग ये एमओयू साइन कर रहे हैं नई नई चीजों का इन्वेस्टमेंट कराएंगे तो इससे हम लोग लगभग जॉब्स भी क्रिएट कराएंगे अब एक इन्वेस्टमेंट कौन किया हुआ था दो हजार बाईस का चेन्नई में यहाँ पे ये यह सब किया गया है ठीक है जरा ध्यान दीजिएगा एम के स्टालिन जी का ये विजन है कि तमिलनाडु को वन ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाया जा सके दो हजार तीस इकतीस फाइनेंशियल ईयर तक इसके लिए बहुत कुछ इन लोगों ने कर रखा है अब जरा ध्यान दीजिए इनकी जो पार्टी होती है यह द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम डीएमके होती है इन्होंने अपनी सरकार बनाई तमिलनाडु में 2021 में 192 म्यूज अभी तक फिलहाल में साइन कर रखे हैं 2.20 लाख करोड़ के जो फाउंडेशन है 21 प्रोजेक्ट का विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 225000 252 करोड़ का ये कहा जा रहा है इससे एक्सपेक्ट होंगी एक्सपेक्टेड है कि 17654 जॉब्स क्रिएट होंगी तमिलनाडु लाइफ साइंस पॉलिसी भी उन्होंने इनोग्रेट किया

क्या क्या इन्होंने किया है इस कॉनकेव के अंदर ठीक है देख लेना आप सभी लोग क्या अब हम लोग आज के अपनी एमओ को देख लेते हैं चलो सबसे पहला क्वेश्चन है ट्रेड गैप वाइडन होके कितने तक हो चुका है

किसने लॉन्च किया है परीक्षा संगम पोर्टल एनसीआर नारी को नमन किस राज्य की स्कीम है गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश ये आपके आज के क्वेश्चन है जिसके आंसर आप लोग नीचे लिखोगे ठीक है अब कल क्या क्वेश्चन थे उसे देख लेते हैं वेरी गुड लगभग सभी के आंसर आ ही गए लेकिन जब सेशन हो जाएगा करे ना तो उसके बाद जरूर अपने आंसर लिखा करो बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए ये अपनी कल की फाइल है बच्चों हाँ तरुण मजूमदार जी की मृत्यु हुई थी कौन से राज्य से बिलोंग करते थे बताओ भाई यस बिलोंग्स टू बेंगोली फिल्म फुट लंबा ब्रॉन्ज स्टैच्यू आलूरी सीतारमन राजू जी का इनोग्रेट किया गया है किससे रिलेटेड थे मानियम प्रधानमंत्री ने इनोग्रेट किया है डिजिटल इंडिया वीक रिसेंटली कहां पर यह गांधीनगर में किया गया था वन सेकेंड पीपल अच्छा ये है मैं सोच रही थी ये क्या साइड में आ रहा है चलो अगला आपसे क्या पूछा जा रहा है कि अविवा इंडिया का किसको चीफ अपॉइंट किया गया असित राट को किया गया है ये डाबर और अविवा के बीच में एक जॉइंट वेंचर है ये भी कल हमने पढ़ा था कौन सा स्टेट स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में अभी अभी बेस्ट परफॉर्मर में था तो ये आपका कौन कौन था गुजरात और कर्नाटका किस बैंक पे आरबीआई ने वन करोड़ का पेनाल्टी लगाया वन करोड़ का लगाया था एंडरसन वन पॉइंट जीरो फाइव समथिंग कुटेक महिंद्रा पे लगाया था अब पूछा गया इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है डिजिटल इंडिया वीक तो देखो जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं हाँ जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं थर्ड मेरा, मेरा पत्र मेरा पत्र नहीं था मेरी पहचान करके था मेरा पत्र नहीं था तो ये रॉन्ग होगा बाकी ये तीनों डिजिटल इंडिया जेनेसिस इंडिया स्टैक ग्लोबल और माई स्कीम ये तीनों ही लॉन्च किया गया था ठीक है

लाइक दिस इज द बैंकिंग सुपर इलीट अगर आप चाहते हो इसे परचेज करना तो यू कैन परचेज इट यहाँ पे आपके सारे के सारे टेस्ट सीरीज और कोर्सेज होते हैं जो भी अपकमिंग होते हैं वो भी. Use code to avail maximum discount. इसके साथ में आप लोगों का गोल्ड बैच है जो आ रखा है कल इसमें मेरी क्लास होगी सुबह ग्यारह बजे जो आप यहाँ देख सकते हो कल हम लोग का जो टॉपिक रहेगा बैंक एसबीआई न्यूज सुबह ग्यारह बजे फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो है, है कोई भी ज्वाइन कर सकता है

एंड हैव अ ग्रेट डिन विल मीट यू पीपल अगेन टुमोरो कल सुबह ग्यारह बजे आप लोगों से मुलाकात होगी मेरी अपनी एच प्लेटफॉर्म पर टिल देन हैव अ ग्रेट नाइट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जय हिंद जय भारत गॉड ब्लेसिंग पीपल लव यू बाई